गोरखपुर में बुधवार को 24 घंटे के अंदर 39 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में कोरोना संक्रमित एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,964 पहुंच गया है। इनमें 20,364 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 341 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 259 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। बुधवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 39 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में अधिक 6 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कैंट और गोरखनाथ में एक एक, रामगढ़ताल और तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 19 नए मरीज मिले हैं। इनमें भटट, ब्रह्मपुर, पिपराइच, खजनी, कैंपियरगंज और पिपरौली में एक एक, बेलघाट में 2, खोराबार में 3 और चरगावा में 8 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में 2 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।